नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। हम बात करेंगे आज स्टार्टअप आइडिया बिजनेस कैसे आते हैं, तो वीडियो को पूरी देखना, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। मतलब आप स्किप कर दोगे तो लगेगा कि भाई वीडियो कोई काम की नहीं थी, तो वीडियो को पूरा देखना, कुछ ना कुछ चीज़ें तो समझ में आएगी। अगर आप एक बिज़नेस खोलना चाहते हैं, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या फिर एक नया स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, देखिए बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि हम किसी को देख के बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, किसी की कॉपी कर लेते हैं कि भाई उसने ये बिज़नेस किया तो मैं भी ऐसे ही बिज़नेस करूँ। मेनली जनरली थिंग मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी नया स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, तो आपको पहले काम करना पड़ेगा आपके स्टार्टअप आइडिया पे। स्टार्टअप आइडिया कैसे सोचे, स्टार्टअप आइडिया पे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेन चीज़ थिंक करनी पड़ेगी। भाई जब आप कहीं सिटी में घूमने जाते हैं, है ना, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखिए कि हम कौन सी प्रॉब्लम है, ऐसे कौन से कस्टमर की प्रॉब्लम, कौन से ऐसे लोगों की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं अपनी सर्विसेज के थ्रू। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, मान लीजिए कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर बिगड़ जाते हैं, प्रिंटर बिगड़ जाते हैं, प्रिंटर को बनाने के लिए जब हम कस्टमर पे फ़ोन लगाते हैं तो वो 4 से 5 दिन ले लेता है। अब आप ऐसी एक सर्विस ओपन कीजिए ताकि भाई आपको फ़ोन करे, आपका बंदा तुरंत उसके घर पे पहुंच जाए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, चाहे वो एसी हो, टीवी, कूलर, फ्रिज, एनीथिंग एल्स। तो ये चीज़ होती है स्टार्टअप आइडिया, और ऐसे आइडिया जो आपके होते हैं वो आपको थिंक करनी पड़ेगी, आपको बनानी पड़ेगी। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है, पेन पॉइंट क्या है। मतलब आप किसी भी बड़े स्टार्टअप को देख लो, उसके पीछे एक बहुत दर्दनाक कहानी होती है, बहुत दर्द भरी कहानी होती है। जैसे ओला की कहानी सुन लो आप, जो ओला के फाउंडर हैं उनको क्या हुआ था आपको पता है। भाई उनको एक कार में वो जा रहे थे कहीं पे, और बीच में उसने कार खड़ी कर दी, बोला कि मैं इतने रुपए लूँगा, मैं इतने रुपए में छोड़ूंगा, नहीं तो आप उतर जाओ मेरी गाड़ी से, और वो वहीं पे उतर गए थे। ऐसी कुछ स्टोरी थी उनकी। फिर जाके उन्होंने ओला शुरू किया था। और रितेश अग्रवाल ओयो के फाउंडर जो हैं, उन्होंने भी सेम प्रॉब्लम फेस की थी। उनको भी होटल में रुकना था, कहीं गए हुए थे तो होटल में रुकने में उनको बड़ी दिक्कत होती है, ट्रैवल करते रहते थे तो दिक्कत होती थी, तो उन्होंने भी ये स्टार्टअप आइडिया खोला। तो मेन थिंग ये है कि पेन प्रॉब्लम क्या है, लोगों की पेन प्रॉब्लम जो होगी, जो भी स्टार्टअप है, जो भी एक बड़ा स्टार्टअप, उसकी एक पेन प्रॉब्लम होती है। तो आपका पेन प्रॉब्लम क्या हो सकता है, आपने कौन सी प्रॉब्लम फेस की, और फिर आप सोच रहे हैं कि भाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कर सकता हूं, मैं ठीक कर सकता हूं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये तो आपको सोचना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप एक पेन प्रॉब्लम क्रिएट कीजिए कि भाई ये प्रॉब्लम है एक्चुअल जेन्युइनली, और मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं ऐसे में। चाहे वो आपकी टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आपका कोई सर्विसेज हो, चाहे वो आपका कोई प्रोडक्ट हो, एनीथिंग एल्स जो भी आपका वो हो सकता है। दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे हो सकता है कि ये किन लोगों के काम आएगा। जब आप कोई स्टार्टअप आइडिया ओपन करते हैं, जब आप स्टार्टअप आइडिया सोचते हैं, तो आपको ये चीज़ सोचना बहुत ज़रूरी है कि ये जो स्टार्टअप आइडिया है, ये जो हमारी सर्विसेज रहेंगी, ये किन लोगों के काम आएगी। क्या ये 35 एज के बाद वाले लोगों के लिए है, क्या ये बच्चों के लिए स्टार्टअप है, जैसे व्हाइट हैट जूनियर, ये बच्चों के लिए स्टार्टअप ओपन हुआ है ना। जोमेटो सभी के लिए है भाई, सबको खाना खाना है। या फिर आपके बिज़नेस आइडिया को, आपके स्टार्टअप आइडिया को सिर्फ बिज़नेस वाले लोग यूज़ करेंगे, या फिर आपके स्टार्टअप आइडिया को स्कूल वाले लोग यूज़ करेंगे, ये चीज़ हो सकती है। ये आपको डिफाइन करना है कि भाई आपका जो स्टार्टअप आइडिया है ये किन लोगों के काम आएगा, ये चीज़ सोचना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका सॉल्यूशन क्या है। जब आपने एक प्रॉब्लम सोच, अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें ढूंढना है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक्चुअल में निकलेगा कैसे, हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, ये चीज़ सोचना बहुत ज़रूरी है। तो हमें पूरी थिंकिंग लगानी पड़ेगी कि हम इसको इस प्रोडक्ट के थ्रू हम सॉल्व करेंगे, या हम इस सर्विसेज को ऐसे प्रोवाइड करेंगे तो ये सॉल्व होगा, या हमारे ये गोल्स होंगे, ये हमारी परफॉर्मेंस होगी। तो ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी, थिंकिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये सोचना है कि भाई इस स्टार्टअप आइडिया को कोई कर रहा है या नहीं। नेट पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, कौन कौन ये स्टार्टअप को कर रहा है, कौन कौन इस बिज़नेस को स्टार्ट किया हुआ है, और मैं उसमें करूँगा तो मैं इसमें कौन सी और अच्छी चीज़ें दे सकता हूँ जिससे लोग मेरे पास आएँ। तो ये चीज़ भी सोचनी बहुत ज़रूरी है कि स्टार्टअप आइडिया सोचते टाइम हमको इन सारी बातों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, क्या आपका सॉल्यूशन दूसरों से अलग है। आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे हैं जो एक दूसरे की कॉपी करके शुरू कर रहे हैं, विदेशों से कॉपी कर रहे हैं और यहाँ इंडिया में चला रहे हैं। विदेशों में जो चल रहा है आज के डेट में, वो इंडिया में वहाँ से कॉपी करके ला रहे हैं और यहाँ पे चला रहे हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, यहाँ भी डेवलपमेंट होना चाहिए, कोई इशू नहीं है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि आपका जो आइडिया है, आपका जो स्टार्टअप आइडिया है, आपका सॉल्यूशन है, क्या वो दूसरों से अलग है। अगर दूसरों से अलग होगा तो आपका ऑब्वियसली से बात है कि आपकी सेलिंग बढ़ेगी, आपका प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, आपकी ग्रोथ हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं भाई, ये सारे पॉइंट्स का अगर आपने ध्यान दिया तो हो सकता है आपका स्टार्टअप आइडिया अच्छा हो और आप एक अच्छे स्टार्टअप आइडिया को सोच लें। क्योंकि देखो,
आपको लग रहा होगा कि यार मैं कौन से स्टार्टअप करूँ, सब तो ऑलरेडी चल रहा है, ओला हो गया, उबर हो गया, ओयो हो गया, जोमेटो हो गया, रोजर पे हो गया, पेमेंट गेटवे के लिए एक से एक गाड़ियाँ बन रही है, हर एक चीज़ की कंपनी तो ऑलरेडी चल रही है, मैं कौन सा स्टार्टअप करूँ, सब तो इन्होंने खोल लिया। भैया ऐसे नहीं है, प्रॉब्लम अभी भी दुनिया में बहुत सारी हैं। सर्विस इंडस्ट्री की बात करें, सर्विस इंडस्ट्री में कोई ऐसा ढंगा अभी नहीं है जो सर्विस प्रोवाइड कर सके, तो सर्विस इंडस्ट्री का स्टार्टअप भी बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप सोचें, अगर आप समझें तो। सर्विस मीन्स कि आप देखो, जैसे अर्बन क्लैप है, अर्बन क्लैप क्या करता है, दूसरों के पास लीड भेजता है और वो कस्टमर आपके घर पे आके काम करके जाता है, वो दुकानदार आपके घर पे काम करके जाता है, अर्बन क्लैप का काम है लीड जनरेट करना। तो वैसे ही कोई अच्छी ढंग की सर्विस इंडस्ट्री अभी नहीं है मेरे ख्याल से, तो उस पर भी अच्छा खासा ग्रो अप किया जा सकता है अगर आप सोचें, अगर आप स्टार्ट करना चाहें। टेक स्टार्टअप बहुत सारे स्टार्ट हुए थे और बहुत सारे स्टार्टअप ओपन हुए, बहुत सारे स्टार्टअप बंद हुए, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आप एक अच्छा सा स्टार्टअप आइडिया सोचिए और उस पर काम कीजिए, रिसर्च कीजिए कि आप कैसे अच्छी वैल्यू दे सकते हैं, अच्छा सर्विस दे सकते हैं, अच्छा प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं। थिंक कीजिए और जरूर स्टार्ट कीजिए। बाकी सारी चीजें ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।